जिस भगवान को आप बहुत मानते हैं। अब यहां भी मैंने देखा कि क्रीड़ा नगरी में गणपति वगैरह बनाए, सब कुछ किया, उनकी इज्जत तो करना जानते नहीं। क्या उनकी मूर्ति बना देने से या देखे ऐसे नमस्कार करने से हो जाता है? अगर आप वाकई गणेश जी को मानते हैं तो सबसे पहले जान लेना चाहिए कि आपके अंदर पवित्रता आनी चाहिए। वो चिर बालक और गणपति का विशेष आशीर्वाद इस महाराष्ट्र में, महाराष्ट्र शराब तो इतनी महाराष्ट्र में चल पड़ी है कि रास्ते में आप देखिए, अगर किसी गांव में जा रहे हैं तो रास्ते पर लोग खटमल के जैसे पड़े हुए हैं शराब पी करके। शर्म आनी चाहिए। इतनी शराब ये महाराष्ट्र में आ गई। मैंने तो सोचा था मैं महाराष्ट्र में अब प्रोग्राम ही नहीं करूं। औरतें आदमी सब बेशरम जैसे शराब पीते हैं और इसका परिणाम जो होगा वो मैं जानती हूं, बहुत भयंकर। लेकिन आत्म साक्षात्कार के बाद आप पी नहीं सकते। आप कोशिश कर लीजिए, आप पी नहीं सकते, क्योंकि अगर किसी से कहे शराब मत पियो तो आधे लोग उठ के चले जाएंगे, अरे ये कैसे क्या, हमारा तो सारा ही मजा करके किरकिराओ, हम कैसे रहेंगे बगैर शराब के, बाप रे बाप, ये तो बहुत ही आफत आ गई। लेकिन आपको हैरानी है कि एक बार सहज के गली में आ जाओ फिर आप शराब की तरफ नहीं जाएंगे, क्योंकि अपना ही आनंद आत्मा का इतना ज्यादा और सुखद है कि फिर कौन शराब पीने चला, अपने आप छूट जाए। ये सारी आते हमारे यहां इंग्लैंड में वगैरह बहुत से लोग आए थे, सब ड्रग एडिक्ट्स, उनके ड्रग्स एक रात में छूट गई। मैं झूठ नहीं बोल रहा, ये सही बात, एक रात में उनकी छूट गई। वो चाहे कुछ उस पर सोचे या न सोचे, दूसरे दिन से वो पी ही नहीं सके। क्योंकि क्या होता है, घर समझ लीजिए, मैं एक जिद्दी औरत हूं और किसी को सुनती नहीं, अधिकतर आजकल ऐसे ही लोग हैं, हाथ में मेरे सांप और सांप को पकड़े हुए जोर से, और किसी ने बताया कि आपके हाथ में सांप है, आपको काटेगा, जब तक काटेगा नहीं मैं सुनने ही नहीं वाली कि ये सांप है। मैंने, नहीं भाई ये तो डोरी, अंधे है ना। लेकिन अगर थोड़ा सा भी प्रकाश आ जाए और दिखाई दे कि मेरे हाथ में सांप है तो फौरन छोड़ दूं। इसी प्रकार ये सब नाशवान चीजें, भगवान ने आपको इस संसार में अपना नाश करने के लिए नहीं बनाया। कम से कम मुक्ता से आप अपने नाक कान काटो तो उसे कौन क्या कर सकता, लेकिन भगवान ने आपको इसलिए नहीं बनाया। उन्होंने बनाया है कि उनके साम्राज्य में आओ, आओ और आनंद से विराजमान और शहंशाह जैसे। आपकी सारी विपत्तियां और तकलीफें इन चक्रों की वजह से। मैंने पहले ही कहा कि लोग कहते हैं कि वहां क्यों भूकंप हुआ, ये क्यों हुआ, क्योंकि आपके चक्र खराब है। आपके चक्र अगर ठीक हो जाए जिस पे आप आधारित, आप ठीक हो जाए और दूसरे भी ठीक हो सकते। इस तरह से अगर बहुजन ऐसा समाज हो जाए कि जो सब आत्म साक्षात्कारी हो, जिसके अंदर आत्मा का प्रकाश हो, तो दुनिया ही बदल जाए। आप देखिए एक साक्षात्कारी आदमी के हाथ का जो चैतन्य है उससे आपके यहां के जो बड़ी समस्या खाने पीने की है वो बहुत आसानी से सुलझ सकती है। कैसे कि इस चैतन्य से आपका जो एग्रीकल्चर है, खेती का जो व्यवहार है, सो आपकी खेती कभी कभी 10 गुना हो जाए और नॉन हाइब्रिड सीड से भी आप खेती कर सके। हमने यहां पर एक एक्सपेरिमेंट करके और हमारे यहां एक सूर्यफूल बना है, वो 2 फुट बड़ा था, 2 फुट उसकी
सरकमफेरेंस नहीं, उसकी डायमीटर 2 फुट। और उसको देख करके फिर पेपर वालों ने भी छापा, कलेक्टर इन भाई ने भी माना, पर बस खत्म। उसके बाद कोई आए नहीं। अरे एक दो पैसा भी नहीं उसके लिए खर्च करना, आपकी खेती बढ़ सकती है, आपकी हिंदुस्तानी गाय दूध दे सकती है, और इन दूसरे गायों से तो दूध पीना ही नहीं चाहिए, आप इन लोगों जैसे पगला जाएंगे, जैसे विदेश के लोगों को कोई रास्ता नहीं मालूम कहाँ चलना है और कहाँ नहीं जाना, उसी तरह आप भी हो जाएंगे। इन गायों के तो दूध पीने ही नहीं चाहिए, लेकिन अपनी ही गाय का दूध इतना बढ़ जाता है। और अब तो महाराष्ट्र में इतना दूध बढ़ गया है कि मैंने सुना कि दूध को वो समुद्र में फेंक दे रहे, इतना तो आपके यहां दूध आ गया। और तो भी आश्चर्य की बात यह है कि लोग सहज के गौर नहीं आते, जो आसानी से आप प्राप्त कर सकते, इसमें कोई हम आपसे पैसा नहीं लेते, नहीं आपको कोई पैसा देना है, इसका पैसे से क्या मतलब हो सकता है? परमात्मा को क्या पैसा और आपके बैंक वगैरह मालूम है क्या? ये तो आपका सर दर्द है। आपको जब आशीर्वाद मिलता है तो सबसे पहले आप समझते हैं कि आपके हाथ में चैतन्य की लहरियां बनी। कुरान में लिखा है कि जब कियामत आएगा, जब तुम्हारा ऐसा समय आएगा कि पूरी तरह से आदमी बदल जाएगा, यही कियामत, उस समय आपके हाथ बोलेंगे, ये मोहम्मद साहब ने लिखा है, और आपके खिलाफ शहादत देंगे, ये मोहम्मद साहब ने लिखा हुआ। लेकिन कितने मुसलमान सहज में आएंगे या कितने हिंदू सहज में आएंगे, ये परमात्मा जानता है। उससे तो रशियन अच्छे, जिन्होंने कभी कोई धर्म नहीं जाना, कभी भगवान नहीं जाना, कभी कृष्ण को नहीं जाना, राम को नहीं जाना, वो खट से सहज में आ गए और जम गए, सबके सब जम गए। ये कैसे हुआ? क्योंकि उनमें जड़वाद नहीं है, मटेरियलिज्म नहीं। हमारे यहां तो जड़वाद ही भी खा गया, उसमें तरह तरह की गंदगी आती। आज जड़वाद ने हमारे देश को भी जकड़ लिया। मैं मानती हूं कि संसार में जो आप रह रहे हैं, आपको जीने के लिए भी बहुत कुछ करना पड़ता है, लेकिन सहज में आते ही आपके सामने लक्ष्मी खड़ी। लेकिन लक्ष्मी का स्वरूप समझना चाहिए, वो शराबियों के पास नहीं आती और जुगारियों के पास भी नहीं आती, और जो बदतमीज इंसान होते हैं उनके पास भी नहीं आती। आपको अगर आप लक्ष्मीपति हैं तो दिखाई देगा कि आप लक्ष्मीपति, एक तबीयत बदल जाती, और वो तबीयत कंजूसी पना और दूसरों को नीचे दिखाना छोड़ करके एक बहुत ही उदार उदात ऐसी एक हस्ती, एक पर्सनालिटी बन जाती है।